जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदंब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी बोलिए शंकर भगवान की जय। दरबार सिद्ध पीठ मां नैना देवी में हर सोमवार को रुद्राभिषेक कराया जाता है, जो ये सारा साल चलता है, पर जो सावन में बहुत विशेष करके कराया जाता है, जो मालक की कृपा, भोले बाबा की कृपा, मेरे महाकाल की कृपा बरसती है। जो भी भक्त आना चाहे नतमस्तक, जहां पर आकर नतमस्तक होएं और भोले बाबा जी का श्रृंगार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। शंभो, आज जो है ये ड्रीमलैंड नैना देवी मंदिर में भगवान शिव शंकर शिवलिंग के ऊपर सभी भक्तों ने आकर के विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ भगवान का अभिषेक करवाया है, और जो है दूध दही घी शहद शक्कर सब कुछ भगवान को जो 1650 से पूजन होता है वो विधि विधान से भगवान शंकर पर अभिषेक किया गया है। और वैसे भी श्रावण मास में बहुत पुण्यदायक माना गया है कि जो भगवान शंकर का पूजन अर्चन करता है, दूध आदि का जो अभिषेक करवाता है, भगवान उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। ऐसे भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें, हमारी प्रार्थना तो यही है। और शंभु भोले वाले हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण भर में संतुष्ट होते हैं तो क्षण भर में रुष्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे भोले वाले करुणावतार भगवान शंकर है, सभी कामनाओं को पूर्ण करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। शंभु।